देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ब्लैंक पेज आया है, ये डार्क मोड में आ चुका है। तो इस डार्क मोड को व्हाइट मोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एंड अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से डिटेल में पता चल जाएगा कैसे इस डार्क मोड को व्हाइट में कन्वर्ट करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड को यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं ऊपर में। एंड सबसे पहले आपको फाइल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो जस्ट आपको यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक करना है। और फाइल वाला सेक्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ऑप्शन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो जस्ट आपको यहाँ पर एक बार ऑप्शन वाला सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, थीम देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑफिस थीम, ठीक है ना। तो आपको जस्ट यहाँ पर देखो ब्लैक वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे टाइप का कलर शो कर रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस कलर को मैं व्हाइट करूंगा, ठीक है। तो व्हाइट करने के लिए यहाँ पर व्हाइट वाला सेक्शन पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर व्हाइट वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ओके बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। ओके बटन पे जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये वाला कलर व्हाइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने प्रेस किया, जो ब्लैक कलर था वो व्हाइट में बदल गया है। तो इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से एमएस वर्ड के अंदर डार्क मोड को, मतलब ब्लैक कलर को, व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट तरीके से डिटेल में पता चल चुका है कि कैसे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर डार्क मोड को व्हाइट में बदलना। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिल चुकी है एंड आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले लाइक कर देना वीडियो में, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।